ऑल इंडिया 24 न्यूज चैनल देख रहे दर्शकों का स्वागत है। मैं गुरतेज सिंह थूही। ज्यों ज्यों पंजाब विधानसभा 2022 दीआं चोणां नेड़े आ रही ने त्यों त्यों पंजाब दे विच सियासी सरगर्मियां तेज हो रही ने। सत्ता दे गलियारियां दे विच विधानसभा 2022 दीआं चोणां दी गूंज साफ सुनाई दे रही है। उत्थे ही पंजाब दे मौजूदा सियासी हालातां ते गलबात करन लई साडे नाल मौजूद ने विधानसभा हलका नाभा तो आम आदमी पार्टी के आगू वरिंदर बिट्टू जी, जिन्हों पार्टी हमने बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है। यूथ विंग जिला पटियाला जिहड़े प्रधान ने नियुक्त किए गए हैं, उन्होंने मौजूदा हालात से गलबात करांगे। बिट्टू जी, सब तो पहला तुहाडा चैनल से स्वागत है। तो सब का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल जुड़े सारे ही स्रोतियों मेरे वालों प्यार भरी सत श्री अकाल। सब तो पहला ये दसो कि कोरोना महामारी के नाल जिहड़ी समुचा देश जिहड़ा है वो महामारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। उत्थे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के आटो चालकों को 5,000 रुपया पर मंथ के नाल ही जिहड़ा राशन मुहैया करवाने का ऐलान किया है। तुसी इस फैसले को किवें देखदे हो और पंजाब के लोग इस फैसले को किवें देखदे हो? सूबे की जो सरकार होंदी है उहदा इह फर्ज बनता है कि अपने लोगों की सेवा करना। हम कोरोना महामारी के दौरान जिथे लोगों के जो रुजगार ने बंद पे ने उत्थे उन्होंने सब तो वड्डी समस्या ये है कि असी अपना पेट किवें भरीए। श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह पिछले साल भी जो लॉकडाउन लग्या सीगा उस समय भी श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के लोगों को जिथे राशन मुहैया करवाया से उत्थे उन्होंने खातों के 5,000 रुपए भी पा के उन्होंने मदद की। हम दोबारा फिर उन्होंने ऐलान किया कि जिन्हें आटो चालक ने असं उन्होंने 5,000 रुपये उन्होंने खातों के ट्रांसफर कर रहे हैं। तो इस ही 2-2 महीने का जो राशन है वो दे रहे हैं। असीं तां उन्हां दे इस फैसले का स्वागत करते हैं। आम आदमी पार्टी हमेशा आम लोगों की गल करती रही है। श्री अरविंद केजरीवाल जी नेता ने दिल्ली के मैं कहूँगा बजुर्गों का पुत्र बन के उन्होंने परिवार की तरह काम कर रहे हैं। सो बहुत ही वधिया उन्होंने यह जो फैसला है। तो जे मैं गल करा पंजाब सूबे की, तो पंजाब सूबे के सरकार है जी बिल्कुल कंगाल हुई पई है। तो पंजाब के लोगों को कोई सहूलत मिल ही नहीं रही। सेहत सेवावां तो इन्नियां ज़्यादा माड़ियां ने कि आक्सीजन ही इन्हां कोलों पूरी नहीं हो रही। साडे विधानसभा हलका नाभा तो एक बच्चे का एक्सीडेंट होया सीगा। तो जो मैं डॉक्टर साहब नाल गल की कि डॉक्टर साहब तुसीं इस बच्चे का ट्रीटमेंट कर दो, इहदे माता पिता है नहीं, तो डॉक्टर साहब कहिंदे ने साडियां मशीनां बंद पईआं ने। तां मैं उन्हां नूं कहा कि मशीनां ठीक करवाउण दी जिम्मेवारी किसदी है? वह कहिंदे जिम्मेवारी तां सरकार दी बनदी आ, पर सरकार ने तां कुछ करना नहीं। वरिंदर बिट्टू जी तुसीं आ के मशीन ठीक करवा दो तां मैं बच्चे का ओपरेट कर दिनी हाँ। सो यह हालात कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री पंजाब के अपने शहर के ने रजिंद्रा होस्पिटल के जिहड़ियां मशीनां ने वो बंद पईआं ने। सो इन हालातों के जिहड़े लोग ने वो मायूस ने। कोरोना महामारी के दौरान जे मैं कहां तां ना तां इत्थे किसी नूं राशन दिता जा रहा है अते ना ही आर्थिक तौर पर किसी परिवार की कोई मदद की जा रही है, जो कि बहुत ही मंदभागा साढ़े सब के लिए। जिथे पंजाब विधानसभा दीआं चोणां जिहड़ियां ने उह नेड़े ने उत्थे ही ते बेअदबियां दे मुद्दे नूं लै के जिहड़ियां बेअदबियां अकाली दल भाजपा दे सरकार दे राज दे समय होईआं, परंतु कैप्टन अमरिंदर सिंह वादा करके सत्ता 'च आए सी कि असीं बेअदबियां दा इंसाफ देवांगे, परंतु 4.5 साल दे करीब समां हो गया ते बेअदबियां नूं लै के जिहड़े कुंभर विजय प्रताप दी अगवाई दे विच जिहड़ी सिट बणी उहने रिपोर्ट सौंपी हाईकोर्ट नूं ते हाईकोर्ट ने उह जिहड़ी खारज करती है। सो नवजोत सिद्धू ते अपने जिहड़े सुनील जाखड़ ने प्रधान ने उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह ते सियासी हमले किए ने। सो कांग्रेस पार्टी दे नाल बैकफुट ते ही है, तुसीं किवें देखदे हो? कांग्रेस पार्टी ते अकाली दल पार्टी ने हमेशा धर्म के नाते राजनीति की है अते सारे इन्हां दा मैच फिक्स हुंदा हमेशा ही। जदों पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार हुंदी है तां उह अकालियां की मदद करते हैं, जदों अकालियां की सरकार हुंदी है तां उह कांग्रेस की मदद करते हैं। कैप्टन साहब ने कीता कि श्री दमदमा साहब की धरती उत्ते खड़ा होकर पूरी पंजाबी दे नाल श्री गुरका साहब जी ने अपने हाथ में फड़ के वादा किया कि श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने वाले जिहड़े दोषी ने उन्होंने असी सज़ा दवा के रहांगे। पर कीता की है पता सब नूं है, सारे पंजाब नूं पता कि बादलों के इन्हां दे पिछे हाथ है, पर बादलों परिवार को बचाने की कोशिश भी कैप्टन साहब कर रहे हैं। हुण जदों 4.5 साल के लोगों को कोई भी फैसला बेअदबी वाले कांड के नहीं मिलिया देखने, तो जो कुंवर विजय प्रताप सिंह जी ने अपनी रिपोर्ट जाहिर की हाईकोर्ट के राही इन्होंने वह रिजैक्ट करवा दी और दोबारा नवी सिट बिठाई है, तो कैप्टन साहब तुम कि मूव लेके हम दोबारा सिट बिठाई है इस गल का जवाब दो? हम कल सुप्रीम कोर्ट के
किस तरह इन तुसी चैलेंज कर सकते हो। सो ये सारे रले मिले ने, ये बादल परिवार के नाल रले हुए ने, इन दे परिवार की आपस में सांझियां ने, इन्हों के काम कार भी सांझे ने, इन्हों के माफिए सांझे ने। सो ये लोग कदे भी श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की बेअदबी करने वाले दोषियों को, बहबल कला गोलीकांड के दोषियों को यह सज़ा नहीं दवा सकते। लोग ने जिहड़े 2022 दे विच इन्हां नूं अपने नतीजे सुना के दसणगे कि वह हुण की चाहुंदे ने। जिवें तुसीं देखदे हो कि कांग्रेस पार्टी जिहड़ी बैकफुट ते आई है, उत्थे ही जिहड़ा अरविंद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने, उन्होंने भी जिहड़ा हैगा ऐलान किया करोना जिहड़े दे संबंध दिल्ली वासियों नूं। लेकिन सैकंडली मैं पुछना चाहुंदा, जिहड़ा पंजाब दे विच अगलिया चोणा होनिया ने, उहदे च आम आदमी पार्टी की प्लानिंग है? आम आदमी पार्टी पंजाब दे विच अपना सारा स्ट्रक्चर बना चुकी है, तो पूरे तकड़े हो के असी इलैक्शन लड़ांगे। लोग बहुत ही ज़्यादा निराश ने। अकाली दल ते कांग्रेस पार्टी ने पिछले 74 सालों तो इस साडे पंजाब सूबे नूं हर पक्षों लुट्टिया। लोगों ने ईमानदारी नाल काम किया, लोगों ने ईमानदारी दे नाल टैक्स पे किया। अगर किसी ने बेईमानी की है तो वह बादल परिवार ने की, कैप्टन परिवार ने की है। लोगों के पैसों के नाल ये लोग अयाशी करते हैं। जे मैं गल बादलों की करा तो उस समय रेत माफिया, केबल माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया, शराब माफिया, हर काम पूरे जोर शोर से चल रहा है। कैप्टन साहब ने कहा कि असी ये माफिया राज खत्म कर देंगे, असी माफिया राज खत्म करके असी लोगों को सुख सहूलत देवे। पर कैप्टन साहब के राज दे विच भी रेत माफिया, शराब माफिया, ट्रांसपोर्ट माफिया पूरे जोर से चल रहा है, और उस पैसे के नाल ऐशो आराम की जिंदगी कौन जी रहा? कैप्टन परिवार। सो इन लोगों ने बिजनेस बनाए हुए हैं, ये राजनीति दे विच सेवा करन नहीं आए, ये सिर्फ तो सिर्फ ऐशो आराम करने लिए आए हैं। हुण जिहड़े लोग ने वह बहुत ही ज़्यादा सियाने हो चुके हैं, उन्होंने पता कि इन लोगों ने साडियां तीन पीढ़ियां बर्बाद करती। पहली पीढ़ी अत्तवाद के समय खा ली, दूजी पीढ़ी नशिया ने खा ली, तीजी पीढ़ी साडी इस समय प्लस टू करन तो बाद विदेशों के जा रही है। हर परिवार का यह सुपना हो गया कि अपने बच्चे को प्लस टू करवाओ तो कनेडा के जाके सैट हो जाओ। जिहड़े साडे सूबे की करीम है वह तो बाहर जा रही है, साडे सूबे के बचिया की है? नशा साडे इत्थे विक रहा है, रुजगार इत्थे लोगों नूं मिल नहीं रहा, बेरोजगारी इन्नी ज़्यादा वधी हुई है कि कल मैं पटियाले शहर के गया होया सीगा, कुछ नौजवानों नूं यूथ से मिलना सीगा, बैंक के बाहर एक मोटरसाइकिल चोरी हो गया 2 मिनट के। सो इन्ना ज़्यादा तो जिहड़ा साडे सूबे के माड़े हालात हो रहे हैं। अगर लोगों को रुजगार नहीं मिलेगा, लुट्टां खोहां वधदियां ने, क्राइम वधना है, तो ये जिहड़ा जिम्मेवार कौन है? सूबा सरकार। पर लोगों को पता है कि इन्हां अकालियां ते कांग्रेस के मैच फिक्स के कारण पंजाब के जिहड़े हैगे ने माड़े हालात ने। लोग 2022 दे विच हुण चेंज देखनी चाहुंदे ने, अते आम आदमी पार्टी नूं 2022 दे विच जिहड़े लोग ने जरूर मौका देणगे। ਬਿੱਟੂ ਜੀ, ਨਾਭੇ ਤੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਸਾਊ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਭੇ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 100 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਾਈ ਹੈ, ਔਰ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ? ਸਾਧੂ ਧਰਮਸੋਤ ਇੱਕ ਝੂਠਾ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਸਿਸਟਮ ਦੀ। ਉਹ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਝੂਠ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਸੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਨਾਭਾ ਦਾ ਹੀ ਬਲਾਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਕਲਾਸਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਂਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਬਣਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਭਾਸੋਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਲਜ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਸੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। 125 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ 2018 ਤੋਂ 2021 ਚੱਲ ਰਿਹਾ, 3-3.5 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਰੀਬ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਗ੍ਰਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੀ ਹੈ HDFC ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਅਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿੱਡ ਚੌਂਕ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮੜਖਾਨੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਰਥੀ ਲੈ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸ਼ਰਮ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਾਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਡ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਹੀਰਾ ਪੈਲਸ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰਾਂ ਗੇਟ ਤੋਂ ਦਲੱਦੀ ਗੇਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦਲੱਦੀ ਗੇਟ ਤੋਂ ਚੌਧਰੀ ਮਾਜਰੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਟੁੱਟਾ ਹੋਇਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਭਾਸੋ ਬਲਾਕ ਦੀ ਚਹਿਲ ਤੋਂ ਜੱਸੋ ਮਾਜਰੇ ਵਾਲਾ ਰੋਡ ਜਿਹੜਾ ਰੋਡ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਰੋਡ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਲਿੰਕ ਰੋਡਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਆਈਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੈਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਚੋਰ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹਨੂੰ 2022 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਾਸ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਹੀ ਰਿਹਾ, ਜੇ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4-4-5-5 ਘੰਟੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ, ਨਾਭੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਪੱਖੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੁੱਟ
ਲੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਦਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਭਾ ਹਲਕਾ ਹੋਇਆ, ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਕੋਈ ਹੋਰ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਉਹ ਹਲਕਾ ਹੈ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦਾ, ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ ਭਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਰੋਟੀ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਨਾਭੇ ਦੇ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ, ਬਾਗੜੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵਿਕਦਾ। ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਨਾਭਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਨਸ਼ੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਰਿੰਦਰ ਬਿੱਟੂ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ 2022 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣਗੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਝੂਠ ਬੋਲ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰਤੇਜ ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ।